नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज भारत सरकार भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने के लिए एक्सपोर्ट को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू करें, इससे संबंधित मैंने कई सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, फॉर्मेलिटीज़ एंड कंप्लाइंसेज टू स्टार्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू फाइंड आउट बायर इन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ग्राहक कैसे ढूंढें, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 7 वर्षों से हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड एक्सपोर्ट कर रही है, और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 7 तरीके हैं जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बायर ढूंढ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बायर मिलने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो किस तरह से फ्रेट फॉरवर्डिंग, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को करना है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में देश की सेवा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है नाइदर अ लीडर नॉर अ ब्यूरोक्रेट है पावर टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द सुपर पावर कंट्री। भारत के किसी भी नौकरशाह में या किसी भी राजनेता में ये शक्ति नहीं है कि भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाकर पूरे विश्व में उसका परचम लहरा सके। ये शक्ति है तो एक बिजनेसमैन में, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करता है तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, जिसे देश आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में बायर ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप है टारगेट योर मार्केट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। आप 5 से 7 कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें जहाँ पर आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लिस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद डिटेल ऑन द पोर्टल ऑफ टारगेटेड कंट्रीज़। उन कंट्रीज़ के डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पोर्टल होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पोर्टल होते हैं, उन पोर्टल्स पर अपने प्रोडक्ट को एज अ सेलर आप ज़रूर लिस्ट करें या एज अ एक्सपोर्टर आप ज़रूर लिस्ट करें। और उसका तरीका क्या होगा, जो टारगेटेड मार्केट आपने सिलेक्ट की है वहाँ पर उन कंट्रीज़ में कौन कौन से ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, वो आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से इंडिया में बहुत सारे पोर्टल हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए भी लिस्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, Alibaba.com, ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल चार्जेस में लिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जिन कंट्रीज़ को टारगेट किया है, अगर आप वहीं के पोर्टल पर लिस्ट करते हैं तो आपको मिलने वाला रिस्पॉन्स बहुत अधिक होगा। जिन कंट्रीज़ में आप जिन कंपनीज़ के साथ डील करना चाहते हैं, उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र से उन कंपनीज़ का डेटा ले सकते हैं जिन्होंने एग्जीबिटर के रूप में या विजिटर के रूप में वहाँ पार्टिसिपेट किया था। Use the power of digital marketing in digital world. आज पूरे विश्व में काम करना बहुत आसान हो गया है। आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, आप सोशल मीडिया प्रमोशन के ज़रिए, गूगल एडवर्ड के ज़रिए, गूगल एडसेंस के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आपको ज़रूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही तरीके से इस्तेमाल करना। फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल एडवर्ड है, इन सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाएं। इंटरनेशनल मार्केट में आप बायर ढूंढने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मदद ले सकते हैं। आज भारत सरकार ने हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है, जैसे जेम एंड ज्वेलरी, फार्मा, इंजीनियरिंग, स्टील प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और सर्विसेज के लिए अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं और उस डेटा पर रेगुलर अपनी कंपनी का प्रोफाइल, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की जानकारी, कंप्लीट डिटेल उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एंड अप्रूव्ड मेथड, डायरेक्ट विजिट टू द कंट्री। आप डायरेक्ट उस कंट्री में जाएं, वहाँ की कंपनी से मिलें, वहाँ के बिजनेसमैन से मिलें, उनको अपनी प्रेजेंटेशन दें, प्रोडक्ट दिखाएं, सैम्पलिंग करें और आसानी से वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर हासिल करें।
लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी कंट्री में विजिट करें तो विजिट करने से पहले गूगल पर सर्च करके बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में जान लें, उन कंपनीज़ को बताएं कि हम आपके कंट्री विजिट करना चाहते हैं और वहाँ उनसे पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। एंड द नेक्स्ट, गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME स्कीम। आज भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME में बहुत अधिक ऐसे प्रावधान बनाए हैं जहां पर आप जब इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टॉल चार्जेस रीएम्बर्स हो जाते हैं, आपका एयर फेयर चार्जेस रीएम्बर्स हो जाता है, लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन भी बनाई है। फॉर एग्जांपल 150,000 तक का स्टॉल चार्जेस रीएम्बर्स हो जाता है, 100% एयर फेयर जो होता है वो भी रीएम्बर्स हो जाता है, तो उन स्कीम्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आप MSME के पोर्टल पर रजिस्टर होंगे तो बहुत सारे बायर भी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे। इसी तरह से भारत सरकार का gem.gov.in एक पोर्टल है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, गेट द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो उस कंट्री में रहते हैं जहां पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। उनके आसपास में कहां कहां पर कौन कौन से ऑफिसेज हैं, कौन सी कंपनीज हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे बात करने के लिए रेफरेंस आप उनसे ज़रूर लें। फ्रेंड, जब बहुत सारे बायर्स का डेटा आपके पास आ जाए तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मेल आईडी, उनका ऑफिस एड्रेस या कंपनी एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आप रेगुलर अपनी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के प्राइसिंग आप उनको मेल करें। फिर मेल करने के बाद ज़रूर उनसे रिवर्ट लें कि सर मैंने आपको मेल किया, क्या आपको मिल गया है। मतलब कम्युनिकेशन जो आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि आपकी बात प्राइसिंग तक पहुंचे, डील क्लोजिंग तक पहुंचे। फ्रेंड्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन के बाद जब आपकी डील क्लोज होगी और आपका प्रोडक्ट रेडी टू एक्सपोर्ट होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रेट फॉरवर्डिंग, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की। फ्रेंड्स, ये सारी सर्विसेज अवेल करने के लिए हमें अलग अलग लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जिससे एक्सपोर्ट का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत लेंदी हो जाता है और कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए लेट हो जाता है। और अगर ये सारी सर्विसेज हमें अंडर वन रूफ मिल जाएं तो हम एक्सपोर्ट प्रोसेस को बहुत इजी बनाकर, अपने लक्ष्य को अपने टारगेटेड क्लाइंट तक रखकर बहुत आसानी से अपने बिजनेस को तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोगोपोर्ट एक ऐसी कंपनी है, ऐसा पोर्टल है जो आपको ये सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ देता है, जैसे ई संचित, तुरंत मॉडल इन कस्टम, IEC गेट, पेपरलेस सिस्टम, फेसलेस असेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। फ्रेंड्स, कोगोपोर्ट के पास मल्टीपल फॉरवर्डर्स हैं जिसकी वजह से CHA एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बहुत फास्ट काम करता है। इस पोर्टल पर आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, साइनअप इसमें फ्री है और 50 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना फ्रेट चार्जेस आपके लगने वाले हैं, और साथ ही साथ आप कंटेनर को भी विद इन 50 सेकंड बुक कर सकते हैं। कोगोपोर्ट इतना यूज़र फ्रेंडली है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग से लेकर शिपिंग मैनेजमेंट तक सारा काम सिंगल पोर्टल पर हो जाता है। कोगोपोर्ट की एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है जो मैंने किसी भी पोर्टल पर नहीं देखी, और वो फैसिलिटी है अगर आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो 120 डेज तक का आपको उसमें क्रेडिट मिल जाता है। फ्रेंड्स, कई बार हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि उस कंट्री में फ्रेट चार्जेस कितने लगेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इस पोर्टल पर दी हुई है। आप यहाँ पर नवा सेवा मुंबई, में उदाहरण के लिए लेता हूँ कि आप मुंबई से जर्मनी, हैम्बर्ग कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कितना फ्रेट चार्जेस लगेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, वहाँ पोर्टल पर आपको यहाँ दिया हुआ है कि आप नवा सेवा मुंबई लिखें और उसके बाद में आप क्लिक करें हैम्बर्ग जर्मनी, और जैसे ही आप फ्रेट चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेट चार्जेस की सारी डिटेल आ जाएगी, जिससे आप अपने कंज्यूमर को सही तरीके से कॉस्टिंग दे पाएंगे। कोगोपोर्ट के पोर्टल को कैसे यूज़ करना है उसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसकी हेल्प से आप आसानी से हर चीज़ की कैलकुलेशन लगा सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कोगोपोर्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल बायर सर्च करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो तो कोगोपोर्ट का इस्तेमाल करें और फ्रेट फॉरवर्डिंग से लेकर शिपिंग मैनेजमेंट तक के सारे प्रोसेस को बिल्कुल इजी बनाएं और ढेर सारा एक्सपोर्ट करें और भारत को भी आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने के लिए मदद करें, उसमें अपना सहयोग दें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे कंसल्ट करने के लिए मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें।
कोगोपोर्ट की सर्विसेज को कैसे अवेल करना है और कोगोपोर्ट के पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।